अखिलेश यादव और शिवपाल सिंह यादव के बीच के जुबानी दंगल में अब तक बयानों के कई दाव चर्चा में आए हैं। कभी अखिलेश ने शुरुआत की तो कभी शिवपाल सिंह यादव ने। महीनों बाद भी अब तक ये खींचतान नहीं थमी है। इस बीच शिवपाल सिंह यादव ने खुलकर ऐलान कर दिया है कि उनकी नजरें 2024 के लोकसभा चुनाव पर टिकी हुई है। इसमें महाविजय के लिए अखिलेश भी जी जान से जुटे हुए हैं, लेकिन शिवपाल को कोशिश भतीजे की राह में मुश्किलों की दीवार खड़ी करने की है और इसके लिए उन्होंने यादव वोट बैंक में सेंधमारी का ट्रेलर पहले ही दिखा दिया है। अखिलेश के खिलाफ शिवपाल सिंह यादव लंबे समय से अपने मन की बातें कभी इशारों में तो कभी खुलकर कह रहे हैं। समझदार के लिए इशारा ही बहुत है, बस इस पे हम इतना ही कहेंगे और कुछ नहीं। भतीजे के खिलाफ गुस्सा जमकर निकाल रहे हैं चाचा, लेकिन बड़े भाई मुलायम सिंह यादव के आगे हमेशा नतमस्तक दिखे हैं। नेताजी तो हमारे साथ तब भी थे, अब भी हैं और हमेशा रहेंगे। शिवपाल सिंह यादव ने पिछले दिनों कई संगठनों और नेताओं के साथ मिलकर यादव वोट बैंक मजबूत करने की रणनीति साफ की थी और ऐसे में अगर शिवपाल सिंह यादव अपनी रणनीति में कामयाब होते हैं तो ये समाजवादी पार्टी के लिए किसी दीवार से कम नहीं होगा। इसलिए चर्चा इस बात की है कि शिवपाल सिंह यादव के इस दावों का जवाब अखिलेश यादव किस कार्ड से देते हैं। क्या जो पुराना इतिहास है और ये पुराना इतिहास और पुराना इतिहास के बाद है इसी कुल के अगुआ जो भगवान कृष्ण के रूप में जो पैदा हुए हैं, इन्होंने जो हमेशा सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी है उसी लड़ाई को लड़ने के लिए आज समाज में बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत पंचे तो पेचे थे। शिवपाल सिंह यादव और अखिलेश यादव के बीच इस वक्त सियासत की सबसे बड़ी जंग चल रही है। अखिलेश यादव ने तो भाजपा पर ताना भी कस दिया है कि भाजपा चाचा को अपनी पार्टी में क्यों नहीं ले लेती, लेकिन ना चाचा ने इस पर अपना रुख साफ किया है और ना ही भाजपा ने। लेकिन शिवपाल सिंह यादव अपने भतीजे अखिलेश यादव की राहों में कांटे बिछाने में पीछे नहीं हट रहे हैं। सपा उनकी खंड-खंड हो सकती है, सपा समाप्तवादी पार्टी हो सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को जिस प्रकार के स्वप्न देख करके गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं प्रदेश की जनता को, उनको गुमराह करने का कार्यक्रम सफल नहीं हो सकता। वो स्वयं मतलब इस समय अपने विधायकों को साथ रखने में सफल नहीं हो सकते और भारतीय जनता पार्टी को श्री अखिलेश यादव जी को यह ध्यान में रखना चाहिए कि अब कम से कम 25 वर्ष तक उन्हें अब सत्ता का सुख मिलने वाला नहीं है। यूपी की सियासी प्रयोगशाला में राजनीति के कई फॉर्मूले को आजमाया जा चुका है। इस प्रयोग में सबसे आगे हैं अखिलेश यादव, जो हर चुनाव में एक नए प्रयोग का रिकॉर्ड बना चुके हैं। लेकिन उनके लिए भी ये तय करना फिलहाल आसान नहीं कि शिवपाल से पूरी तरह दूरी बनाने का आखिर क्या फॉर्मूला होगा। अखिलेश ने तो विधानसभा के स्पीकर को चिट्ठी लिखने वाला दांव भी चल दिया, बावजूद इसके शिवपाल को सदन में सपा के विधायकों से दूर करने की सूरत बन नहीं पा रही। भाजपा की सरकार ने विधानसभा के अंदर केवल समाजवादी पार्टी को 3 रो दी हैं और बाकी सारी रो जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी और उसके समर्थक दलों की हैं। हम लोगों ने पहले ही ये मांग करी थी कि ये जो आगे की सीटें हैं वो सापा को और दी जाएं और शिवपाल यादव जी को आगे की सीट और मिले। पूरे उत्तर प्रदेश की जनमानस माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी के साथ एक अजब का प्रेम दिखता है, क्योंकि वो सबके सुख दुख में शामिल होते हैं, लोगों से मिलते जुलते हैं, सबके यहाँ आना जाना लगा रहता है। तो ऐसे आप देखिएगा कि करहल, जसवंत नगर, मैनपुरी, पूरी लोकसभा में एक माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी का अलग क्रेज है। भाजपा के लिए ये सपा पर निशाना साधने का बड़ा मौका है। पहले भी भाजपा ऐसे मौके का खूब इस्तेमाल करती रही है। आपको याद होगा कि जब सीएम योगी आदित्यनाथ ने समाजवाद को लेकर सपा पर तंज कसते हुए शिवपाल सिंह यादव को लेकर नरमी दिखाई थी,
देखिए, जब समाजवाद की बात होती थी, डॉक्टर लोहिया की चर्चा होती थी, जयप्रकाश जी की चर्चा होती थी, संघर्षशील नेताओं की चर्चा होती थी। आज समाजवादी पार्टी में मुझे लगता है कि डॉक्टर लोहिया पे मैं लेखनी कभी कभी केवल शिवपाल जी की देखता हूँ, कभी कभी उनका आलेख आता है, उनका आर्टिकल देखने को मिलता है। यही वजह थी कि अखिलेश यादव को चाचा पर तंज करने का बड़ा मौका भी मिल गया था। शिवपाल और अखिलेश के बीच की तलखी लगातार बढ़ती जा रही है। पिछले कुछ महीने में दोनों नेताओं ने एक दूसरे को लेकर कभी सीधे सीधे तो कभी इशारों में भड़ास निकाली। शिवपाल ने इस बीच सीएम योगी सहित भाजपा के कई नेताओं से मुलाकात भी की तो सपा की तरफ से उन पर हमले और भी तेज हो गए। जवाब में शिवपाल ने हमेशा कहा कि शिष्टाचार और सियासत में फर्क। शिवपाल सिंह यादव ने न तो सीएम योगी से अपनी मुलाकातों पर पर्दा डाला और न ही ये जताने की कोशिश की कि सपा को लेकर वो किसी तरह के दबाव में है। जो कुछ कहा खुलकर कहा, चाहे इसके मायने अखिलेश कुछ भी क्यों न निकालते रहे। तो शिवपाल ने हमेशा कहा कि हम अगले कदम को लेकर तैयार हैं, लेकिन उन्होंने खुलकर भाजपा के साथ जाने या फिर नया मोर्चा बनाने को लेकर अंतिम कार्ड को पर्दे में रखा है। इस बीच सपा और प्रसपा के बीच जुबानी तकरार आसमान तक पहुंच गई है। 2019 में भी शिवपाल जी चुनाव लड़े थे, लेकिन परिणाम आपको मालूम ही होगा। और इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए जनता का मन बन गया है और समाजवादी पार्टी ही भारतीय जनता पार्टी का विकल्प है। जनता को ये मालूम हो गया है कि हम ही लोग संघर्ष कर रहे हैं। श्री शिवपाल सिंह यादव जी ने अभी ये यदकुल पुनर्जागरण मिशन में एक बात कही कि हम लोग की इच्छा है कि 2024 में नेताजी चुनाव लड़े। जब नेताजी चुनाव लड़ेंगे तो माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी 19 जैसी भूमिका में रहेंगे और पूरा प्रचार प्रसार किया जाएगा नेताजी के लिए। अगर नेताजी चुनाव नहीं लड़ते हैं तो भी माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी बहुत ही जल्द आप लोग के सामने बातें आ जाएगी। लेकिन ये सच है कि पार्टी है, राजनीतिक दल है, तो प्रत्याशी तो सब जगह लड़ेंगे और चुनाव लड़ेंगे। राजनीतिक विश्लेषकों की नजर में भी अखिलेश और शिवपाल के बीच की मौजूदा खींचतान का विश्लेषण करना कोई कम चुनौती भरा काम नहीं है। देखिए, ये तो लड़ाई जिस तरह से चल रही है, अगर आप इसको देखें 2012 में जो सरकार बनी है उसके बाद से ही विवाद शुरू हुआ था। शिवपाल सिंह चीफ मिनिस्टर बनने का ख्वाब देख रहे थे, मुलायम सिंह जी ने अपने बेटे को बनाया, इसके बाद से तनातनी चल रही थी। लेकिन अब इतनी मतभेद हो चुके कि शायद अखिलेश जी को ये लगता है कि ये वक्त है कि मैं चाचा से अपने को मुक्त कर लूँ। अब इस बात की संभावना काफ़ी ज़्यादा है कि इस तरह की लड़ाई जो 2017 में शुरू हुई थी, अब उसमें आर पार करने का समय आ गया है। क्योंकि 17 के बाद 19 के बाद 22 तीन चुनावों में जब दोनों ही परिवार के सदस्य एक मंच पर नहीं आ पाए, एक आवाज़ में नहीं बोल पाए और कभी साथ और कभी अलग की राजनीति चलती रही, तो मुझे लगता है अब उनके अपने परिवार के लोगों में भी एक असंतोष धीरे धीरे करके सामने आने लगा है। साफ है कि आने वाले दिनों में अखिलेश और शिवपाल के बीच चल रही खींचतान का नया अध्याय शुरू हो सकता है, जिसमें विधानसभा में सपा विधायकों के बीच बैठे शिवपाल के नए संभावित कदम का जिक्र जरूर होगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।